अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है, आप इससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास जानकारी है। दोस्तों ये आपके साथ साथ आपके परिवार वाले, आपके जो आस पड़ोसी, आपके यार दोस्त हैं, उन सभी लोगों के लिए भी ये जानकारी का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना के अंदर जो बहुत बड़ा घोटाला या बहुत बड़ा जो फ्रॉड हो रहा है उसके ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखिए ताकि आप इसे ठीक से समझें और इसे अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ भी इसे शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस तरह के फ्रॉड से बच जाएं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी के योजना के अंदर जो बहुत बड़ा फ्रॉड, जो बहुत बड़ी धोखेबाजी हो रही है उससे वो भी बच सकें। दोस्तों चलिए बात करते हैं कि प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना है क्या। दोस्तों प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होगी, बहुत सारे आपने आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे गूगल के ऊपर, और बहुत सारी जो फेक न्यूज़ हैं उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना के बारे में आपने कभी ना कभी देख ही लिया होगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना के अंदर क्या था, केंद्र सरकार 5 लाख रुपये लोन दे रही थी सभी गरीब महिलाओं के लिए। जी हाँ, 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही थी गरीब महिलाओं के लिए या सभी महिलाओं को, और वो 30 साल के लिए सभी लोगों को दिया जा रहा था। तो दोस्तों इस तरह का दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार 5 लाख रुपए का लोन दे रही है महिलाओं को, उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए डालेगी और 30 साल के लिए ये लोन दिया जाएगा, और ये जो लोन होगा वो 0% ब्याज पर दिया जाएगा, इस तरह का दावा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोन को वापस करने की जो अवधि थी वो 30 साल की थी, और यहाँ पर जो है 18 से 55 साल की महिलाओं को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने की बात की जा रही थी। दोस्तों प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना का नाम बहुत ही बढ़ चढ़कर सामने आने लगा था और सभी लोग, सभी महिलाएं इस योजना की तरफ खींची जा रही थी, और कई माध्यम से चाहे वो एजेंटों को पैसे देकर या किसी भी दूसरे तरीके से इस योजना के अंदर आवेदन करना चाहती थी, क्योंकि 30 साल के लिए 5 लाख रुपये 0% ब्याज पर सभी लोग पाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों आपको जो यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस योजना के अंदर जो बहुत बड़ा फ्रॉड है वो क्या है, दोस्तों आप भी सुनकर ये चौंक जाएंगे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना के जैसी कोई योजना है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना ऐसी कोई योजना ही नहीं है। सरकार ने भी अब डायरेक्ट ये मना कर दिया है कि उनकी तरफ से इस तरह की कोई योजना कभी भी लागू नहीं की गई, ना ही कभी योजना का कोई प्रावधान है और ना ही आगे चलकर ऐसी कोई योजना आने वाली है। प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना जिसके बारे में बढ़ चढ़कर प्रचार किया जा रहा था वीडियोज़ के ऊपर भी और आर्टिकल्स के अंदर भी, तो दोस्तों इस तरह की कोई योजना ही नहीं है। और जिन महिलाओं ने इस योजना के अंदर 5 लाख रुपये लेने के लालच में जो अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो एजेंटों के थ्रू या कहीं इधर उधर जमा करें हैं, तो उनको नुकसान होने के बहुत बड़े चांसेस भी यहाँ पर बन गए हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जो आपको ये जानकारी दे रहा हूँ इसका सोर्स क्या है, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस बारे में कैसे बता रहा हूँ। तो दोस्तों एक PIB फैक्ट चेक है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो PIB का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो PIB का मतलब होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोडल एजेंसी है जो आपको जो फेक न्यूज़ वगैरह जो होती है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर गूगल पे लिखा है PIB फैक्ट चेक, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो नोडल एजेंसी है जो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर जो फेक न्यूज़ या कुछ इस तरह की चीज़ आती है उसके बारे में आपको बताती है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना के अंदर कैसे हमें पता चला कि ये फेक है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं, देखिए प्रधानमंत्री धन PIB फैक्ट चेक ट्विटर, ठीक है, क्योंकि ट्विटर अकाउंट है इनका, और उसके बाद धन लक्ष्मी योजना। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया धन लक्ष्मी योजना, और तो ये जो पहला ऑप्शन है इसी के ऊपर मैं क्लिक करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया है PIB फैक्ट चेक। अब यहाँ पर देखिए पहले नंबर के ऑप्शन पे ही आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया, ये पूरा एक पेज आ गया जो इस योजना का एक जो आर्टिकल जो सभी जगह पे वायरल हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा
कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, जैसे कि पीएम धन लक्ष्मी योजना के अंदर जो पूरी डिटेल है यहाँ पर सारी डिटेल भी दी गई है। तो यहाँ पर पीआईबी फैक्ट चेक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोडल एजेंसी है इस तरह की जो वायरल जो फेक न्यूज़ होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पर बता दिया है कि केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई भी योजना कभी लागू ही नहीं की और ना ही आने वाले समय में वो कभी इसको लागू करेंगे। आप देखिए यहाँ पर डिटेल में आप पूरी चीज़ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा और इसके अंदर जो 5 लाख रुपए देने की जो बात हो रही थी देखिए वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए तो ज़रूरी है, आपके परिवार आपके यार मित्र सभी लोगों के लिए ज़रूरी, ताकि वो इस तरह की जो फेक या इस तरह की जो धोखाधड़ी जो हो रही है प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना नाम पर, तो उनसे सभी लोग बच सकें। तो दोस्तों इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी आप जागरूक बना सकें। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए।